हाय गाइस, आज हम कोलकाता की एक फेमस रेसिपी बनाएंगे, आलू भाजा। आलू भाजा बनाने के लिए आलू को सबसे पहले मैं पील कर लूंगा। पील कर लेने के बाद आप इसको पानी में डिप कर लीजिए ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। स्लाइसर की हेल्प से हम इसे स्लाइस कर लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम नाइफ यूज करेंगे। नाइफ से आलू को स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस कर लेने के बाद आप इसको पतले पतले स्ट्राइप्स में काट दीजिए और पानी में डिप कर दीजिए। सारे पानी को स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन कर लेने के बाद हम इसको ऑयल में डीप फ्राई कर देंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे जिसमें कि हमने पेपर टॉवल लगाया है। हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़े से पीनट्स लेंगे, पीनट्स को फ्राई कर देंगे, करी लीव्स फ्राई कर देंगे और इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। एंड में हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और ये हमारे आलू भाजा रेडी।